हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कंप्यूटर का जो टेम्पररी फाइल्स है वो आप कैसे डिलीट कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को और ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रन मोड ओपन करना पड़ेगा। रन मोड ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा परसेंटेज temp 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 परसेंटेज। इसको लिखने के बाद आपको ओके के प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो अभी जो टेम्पररी फाइल्स है वो आपको शो करेगा, तो इसको डिलीट करने से इसको डिलीट करना पड़ेगा आपको। तो मैं कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कर देता हूँ। बाद आपको इसे क्रॉस करना पड़ेगा। फिर से आपको रन मोड ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद यहां पर लिखना पड़ेगा टेम्प temp। लिखने के बाद यहां पर एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो एक मेरा है टेम्पररी फाइल है वो आपको शो कर रहा है, तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करने के बाद आपका जो टेम्पररी फाइल्स है वो डिलीट हो गया है। तो फिर से आपको रन मोड ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्लीन mgr। लिखने के बाद आपको ओके प्रेस करना पड़ेगा। तो ये है डिस्क क्लीनअप। तो ये बाय डिफॉल्ट विंडो सी का ही रहता है, तो मैं विंडो सी का ही रहने देता हूँ। फिर मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। ये कैलकुलेटिंग हो जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप नोटिफिकेशन शो करेगा। यहाँ पर आपकी जो विंडो सी जो फाइल है उसमें जो भी टेम्पररी फाइल है यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टिक देता हूँ मैं कौन कौन से टेम्पररी फाइल डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर जो बॉक्स है वहाँ पर आपको टिक मारना है। टिक मारने के बाद यहाँ पर जो ओके बटन है यहाँ पर क्लिक करने देता है। बाद डिलीट फाइल्स, ये डिलीटिंग हो जाएगा। डिलीटिंग होने के बाद आपके कंप्यूटर का जो टेम्पररी फाइल्स कैच डेटा है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे करके आपके कंप्यूटर का थोड़ा सा रैम आप बचा सकते हैं और थोड़ा सा स्पीड भी ग्रो अप कर सकते हैं। तो वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।